अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान अदीब। आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि हाउ टू इंस्टॉल एनी विंडोज़ विदाउट एनी थिंग इन उर्दू। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिसके ज़रिए आप किसी भी सिस्टम की या लैपटॉप में विंडो कर सकते हैं बगैर यूएसबी के, बगैर डीवीडी के, बगैर किसी ड्राइव को बूट किए और बगैर आईएसओ के। तो अब ये आप सोचेंगे कि कैसे, तो ये वीडियो फेक नहीं है, मैं खुद यही करता हूँ। आप बस एक बार आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आप किसी भी सिस्टम में एक बार विंडो ऐसी कर लें जो आपको पसंद हो या जो उसके मुताबिक सूटेबल हो। वो विंडो करके उसकी सॉफ्टवेयर वगैरह सारा कुछ करके, तो उसके बाद जब वो विंडो का मांगे भी आप विंडो दोबारा करें, सिस्टम आपका स्लो हो गया या आप दोबारा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है कि विंडो बिल्कुल उड़ जाती है, डिस्प्ले शो नहीं होता, उसके लिए आपको विंडो फिर करनी पड़ेगी। इन चीज़ों से, इनमें से किसी ना किसी से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले भी शो हो रहा है यानी डेस्कटॉप शो हो रहा है और आपकी सिस्टम स्लो हो गया है, आप विंडो करना चाहते हैं या बहुत पुरानी विंडो है, आप विंडो दोबारा करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपने अपना ये प्रोफाइल ओपन करनी है। आपने सबसे पहले सेटिंग ओपन करनी है। आप जो है जी, यहाँ पे आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ पे यूजर इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने नीचे आपको एक ऑप्शन देख रहा होगा फैमिली एंड अदर यूज़र। आपने करना क्या है कि यहाँ पे जो अभी मेरा पहला यूज़र जो अभी चल रहा है इसको आपने डिलीट करना है और न्यू यूज़र बनाना है। तो आप सोचेंगे नहीं, आपका लैपटॉप ऐसे या कंप्यूटर ऐसे हो जाएगा जैसे अभी अभी विंडो की है। मैंने खुद ये आजमाया है तो आपको बता रहा हूँ कि ये वाकई में काम करता है, बहुत अच्छी स्पीड देता है। ऐसे लगता है जैसे कि अभी अभी विंडो की है और बिल्कुल न्यू लगता है, कि बहुत अच्छी स्पीड बन जाती है जैसी आपके पहले यूज़र की होती है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपना नेट बंद करना है वरना ये अकाउंट मांगता है। तो यहाँ पे मैंने नेट बंद किया और यहाँ पे आप विंडो 10 में और विंडो 7 में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी नाम देना है और यहाँ पे यूज़र बना देना है। ये यूज़र बनाया, ये हमारा न्यू यूज़र है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने डिलीट करना है। तो यहाँ पे इसको आपने सबसे पहले यहाँ क्लिक करके चेंज अकाउंट टाइप करके यहाँ पे आपने करना है एडमिनिस्ट्रेटर और ओके कर देना है। अब ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, तो इसमें से आपने पहले वाले को जो करना है डिलीट। तो आपने करना क्या है कि आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारा यूज़र बन गया और ये जो न्यू यूज़र है ये अभी ओपन है, तो हमने इसको डिलीट करना है। तो आपने दोबारा यहाँ जाना है, यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेंज अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फैमिली एंड अदर पे आ जाना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो आप इस अकाउंट से ओपन करेंगे तो आपका ये जो अकाउंट होगा यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ये देखिए सलमान अदीब वाला, तो ये ओपन हो जाएगा। तो उसको आपने करना है यहाँ सेलेक्ट करना है और रिमूव कर देना है। तो ये डिलीट अकाउंट एंड डाटा, यानी डाटा ये वो कह रहा है जो आपके डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, वीडियो में और फोटो में इस तरह का, या डेस्कटॉप में या सी में जो भी डाटा पड़ा होगा वो डिलीट करने का कह रहा है, ना कि आपकी ये पूरी हार्ड को कह रहा है। तो इसको डिलीट कर दें आप, जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये डिलीट हो गया और ये अब हमारा न्यू अकाउंट है। तो ये सिर्फ मैंने तरीका बताया, ये मैंने अपने लैपटॉप पर किया है और ये बहुत अच्छी स्पीड देता है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। ये ऐसे लगता है जैसे जैसे विंडो न्यू है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो कि आप जो है बग़ैर किसी चीज़ के विंडो कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है विंडो करके एक बार ज़रूर देखना, अगर
मज़ा ना दे तो आप फिर जो है किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्पीड देता है, तो मैं तो ख़ुद ये यूज़ करता हूँ। एक बार आप अपने ड्राइवर वगैरह मुकम्मल करके तो उसके बाद इस तरह से आप इसको जो है रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।